इस वक्त बोफोर्स के बहुत करीब हम खड़े हुए हैं। हमारे देश के जितने हमारे करोड़ों की संख्या में जो दर्शक हैं वो शायद इतने करीब बोफोर्स से कभी नहीं ना तो आ पाएंगे ना इतने करीब से देख पाएंगे। लेकिन मेजर सिंह, इतने करीब हम खड़े हैं बोफोर्स के, आपसे हम यही जानना चाहते हैं कि बोफोर्स भारत की सबसे भरोसेमंद तोप साबित हुई है, आखिर ऐसा क्या खास है बोफोर्स में? बोफोर्स इक्विपमेंट जब इंडियन आर्मी में आया तो हमारी इंडियन आर्मी को काफी समय मिला इस पर अच्छे से ट्रेनिंग करने के लिए, और जब 99 वॉर में करगिल युद्ध के दौरान दुश्मन ने जब हमारी पोस्टों को कब्जा कर लिया तो इस इक्विपमेंट को लाने के लिए हमें ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि रोड की हालत काफी खराब थी और ये गन जो कि सेल्फ प्रोपेल्ड मोड में अकेले चल सकती है, इसको हम जो है उसकी एसपी इंजन की मदद से जो है इंडिविजुअल गन प्लेटफॉर्म पर लेकर डायरेक्ट फायरिंग रोल में और इनडायरेक्ट फायरिंग रोल में दुश्मन पर फायर करके उनके पोजीशंस को बर्बाद किया और फाइनली इस युद्ध में विजय हासिल की। तो एक इसमें महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये है कि बोफोर्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत आसान है और बोफोर्स की जो अपनी स्पीड है जिसके हिसाब से वो चलती है वो 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। बिल्कुल, स्पीड काफी कम है बट ये इतनी है कि जिससे इसको जो है किसी भी एडवांटेज वाले पोजिशन पर ले जाकर हम डिप्लॉय कर सकते हैं और दुश्मन के ऊपर फायर कर सकते हैं। जी, अगला सबसे अच्छा फीचर कौन सा है बोफोर्स का? अगला सबसे अच्छा फीचर इसका जो है लॉन्ग रेंज। इस ऑल्टीट्यूड पे जहाँ की रेडिफाइड एटमॉस्फेयर होता है इसकी रेंजेस बी सी लेवल से भी काफी बढ़ जाती है। अच्छा, तो ये इस ऑल्टीट्यूड पे तकरीबन 42 किलोमीटर का रेंज अख्तियार करने में काबिल है। इसकी बैरल के बारे में हम बात कर रहे थे कि इसकी जो बैरल है वो 70 डिग्री तक खड़ी हो जाती है। बैरल आपको बताते हैं, देखिए ये बैरल है जिस वक्त आप देख रहे हैं ये 70 डिग्री तक ऊपर चली जाती है, जो कि कहते हैं कि बहुत मददगार साबित होती है इस तरह के फाइट्स में। जी, एक्चुअली माउंटेन टेरेन में क्या होता है, दुश्मन जो है फॉरवर्ड स्लोप पे, जो कि वो दुश्मन हमारी नजर में आ सके काफी कम समय के लिए आता है, ज्यादा समय के लिए वो रिवर्स स्लोप पे बैठा रहता है जिससे कि हमारी नजर में उसकी हरकत ना आ सके। इस हालत में ये जब वेपन हाई ऑल्टीट्यूड में फायर करता है तो दुश्मन जो रिवर्स स्लोप पे बैठा है उसको भी जो है ये बर्बाद करता है। रिवर्स स्लोप का मतलब है कि जो इस वक्त हम पहाड़ देख रहे हैं, इस पहाड़ के उस तरफ मान लीजिए कहीं दुश्मन बैठा हुआ है जिसको कि हम यहां से देख नहीं सकते, उस पर ये एक इनडायरेक्ट हमला कर सकती है। जी बिल्कुल, तो कैसे हमें पता चलेगा कि वो उस दुश्मन की लोकेशन क्या है? हमारे पास ओपी ऑफिसर्स होते हैं और हमारे पास और भी कई सारे सेंसर्स होते हैं जिसकी वजह से हम तकरीबन आइडिया लगाते हैं मैप कि दुश्मन कहां लगभग हो सकता है, और जल्दी दुश्मन की हरकत देखने के बाद इन्फॉर्मेशन को कोरोबरेट करने के बाद हमें पता लग जाता है कि इस इलाके में तकरीबन दुश्मन बैठा है और वहां फायर करते हैं। फायर को करेक्ट करने के लिए हमारे पास ओपी ऑफिसर हैं और काफी सारे प्रोसीजर्स हैं जिनकी मदद से हमें पता लग जाता है। एक इसका और अच्छा फीचर है वो है ऑटो लोडिंग का, तो मेजर साहब ऑटो लोडिंग के बारे में हमें बताइए। ये फुली ऑटोमेटिक वेपन है, इसमें जो है गन्स को जो है क्रेन में लोड किया जाता है और उसके बाद वो क्रेन जो है लोडिंग ट्रे में आता है और उसके बाद यहाँ से ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है। इस क्रेन के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये जो क्रेन है जी इसमें जो है वेपन्स लोड होंगे, एमिनेशन लोड होगा और उसके बाद वो इस लोडिंग ट्रे में आएंगे। जी, लोडिंग ट्रे से इसको जो है लोडिंग तरफ है, यहाँ से आकर ये लोड होते हैं ऑटोमेटिकली। इससे क्या होता है कि 3 सेकंड्स में 14 सेकंड्स में 3 राउंड फायर करने की कैपेबिलिटी हमें मिलती है और एक शेल के वजन जो है तकरीबन 42 kg के आसपास है विद अराउंड 8 kg ऑफ TNT। सो यू कैन इमेजिन 14 सेकंड्स में ऑलमोस्ट 25 kg ऑफ TNT ऑन अ पर्टिकुलर टारगेट, क्या हालत होगी दुश्मन की? तो बोफोर्स का ये DNA टेस्ट कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम आपको ये नहीं बताएं कि बोफोर्स जब अपने दुश्मन को बर्बाद करती है तो कैसे करती है और बोफोर्स का एमिनेशन क्या होता है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं ये बोफोर्स के अलग अलग तरीके के एमिनेशन है और मेजर सिंह हमें बताएंगे इन अलग अलग एमिनेशन के बारे में। मेजर सिंह जी, सबसे पहले हाई एक्सप्लोजिव एमिनेशन जी, जिसमें जो है अराउंड 8 kg ऑफ TNT होता है। इस शेल का वजन जो है तकरीबन 42 kg है और ये जो है दुश्मन को एयर बर्स्ट मोड में भी फायर करके या ग्राउंड बर्स्ट मोड में फायर करके डिस्ट्रॉय किया जाता है। दूसरा शेल जो है ये हाई एक्सप्लोजिव एक्सटेंडेड रेंज है, बिकॉज ऑफ द बेस ब्लीड यूनिट जो इसमें लगा हुआ है इसकी वजह से इसका जो फ्रिक्शन बनता है शेल का पीछे वो कम हो जाता है और इसकी रेंज बढ़ जाती है और ये तकरीबन 42 किलोमीटर दूर बैठे हुए दुश्मन को भी जो है बर्बाद कर सकता है। कि एमिनेशन कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं बोफोर्स गन में और बोफोर्स गन जो इतनी कामयाब होती है उसके पीछे कौन कौन से एमिनेशन और कौन कौन से हथियार उसके पीछे उसकी इस शौर्य गाथा को पूरा करते हैं।